टेस्ट को कहते हैं, ठीक है, इस टेस्ट को कहते हैं कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। देखिए एक सेपरेटर्स को अच्छे से बनाना, देखो इसे बोलते हैं अपर हुपर, इसे क्या बोला जाता है? अपर हुपर, ओके, जो कि एक ट्रेपेजोइडल सिलिंड्रिकल है। इसे कहा जाता है लोअर हुपर, लोअर हुपर, और इसे कहा जाता है अपने पास मोल्ड, इसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल मोल्ड, ठीक है। अब देखना यहां पे क्या करते हैं, अब देखना यहां पे क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कंक्रीट पेस्ट बनाया, जैसे हमने पहले बनाया था कोर्स फाइन सीमेंट पानी, बन गया पेस्ट। पेस्ट बनने के बाद इसको यहां से डाल दो, पेस्ट बनने के बाद इसको यहां से डाल दो, ठीक है। जैसे पेस्ट करके डालोगे तो यहां पर अपने पास प्लेट लगा हुआ है, यहां पर एक प्लेट लगा हुआ है जो कंक्रीट को रोक के रखेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे। अब हम इसको खोल देंगे, जैसे हमने इसको ओपन करा, कंक्रीट अपर हुपर से गिरकर कहां पे गिर जाएगा? कंक्रीट अपर हुपर से गिरकर कहां गिर जाएगा? लोअर में। कहां गिर जाएगा? लोअर में। लोअर में फिर प्लेट लग रहा है, लोअर में फिर प्लेट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्लेट को फिर बाहर की तरफ खोल देंगे, तो अब ये कंक्रीट जाके कहां गिर जाएगा? अब ये कंक्रीट जाके कहां गिर जाएगा? कहां गिर जाएगा? सिलेंड्रिकल में। कहां गिर जाएगा? सिलेंड्रिकल में। तो ये कंक्रीट सिलेंड्रिकल में गिर जाता है और ये ऐसा होता है बाहर निकला हुआ। अब हम क्या करते हैं, कंक्रीट को यहां से साफ करते हैं सरफेस से, और इसका वेट लेते हैं। क्या करते हैं? वेट लेते हैं। इस वेट को कहते हैं W1, और इसे ही कहते हैं पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट। इस W1 को ही क्या कहा जाता है? पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट। अब हम क्या करते हैं, इस सारे कंक्रीट को नीचे गिरते हैं, इसमें से वापस खाली करते हैं, तो हमने इसको खाली कर दिया। और कंक्रीट को तीन लेयर में, इस मोल्ड को तीन लेयर में भरा, हर लेयर को 25 बार ब्लो करके अच्छे से फुल्ली कंपैक्टेड करके उसको भर दिया, टॉप तक उसको भर दिया। भर दो, उसको भर दो। भरने के बाद उसको वेट लिया W2। एक बात बताओ, कौन सा वेट ज्यादा आएगा, जो सेल्फ गिरा था या जिसको आपने अच्छे से कंपैक्ट करा, W1 या W2? W1 या W2? W21 या W2? तो आप क्या होगे सर? W2। आप क्या होगे सर? W2। जिसको हमने अच्छे से कंपैक्ट किया है उसका वेट ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि जो कंपैक्शन फैक्टर है इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर मैं कहूं कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो आप बोलोगे सर एक। तो आप बोलोगे सर एक। क्यों? क्योंकि कभी W1 W2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको फुल्ली कंपैक्शन किया है, इसको पार्शियली कंपैक्टेड किया है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? वर्केबिलिटी को। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? वर्केबिलिटी को। जितना ज्यादा कंपैक्शन फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा वर्केबिलिटी निकलेगा, उतना ही ज्यादा वर्केबिलिटी निकलेगा। कोई भी रिसर्च वर्क हो, कोई भी एक्यूरेट वर्क हो, उसमें हमेशा स्लंप वैल्यू इसी टेस्ट से फाइंड की जाती है। इस बार के SSC का क्वेश्चन कहा कि अपर हुपर से लोअर हुपर में कंक्रीट का जो हाइट ऑफ फॉल होता है ये कितने mm का होता है बताओ। इस बार के SSC का क्वेश्चन कि सिलेंड्रिकल टेस्ट में एक हुपर से दूसरे हुपर में कंक्रीट का हाइट ऑफ फॉल कितना होता है, तो बताओ आंसर कितना होगा। बिल्कुल सही, 200 mm। बना लो इसको। दिख रहा है?
दिख रहा है, बना लो। वॉल्यूम तो बेटा मोल्ड का लेते हैं, कंक्रीट का नहीं लेते। वॉल्यूम तो मोल्ड का लेते हैं, यहां पर हम इसका नहीं लेते। बना लिए डायग्राम? अपर ऊपर का अपर डायर कितना है? 260। अपर ऊपर का लोअर डायर कितना है? 130। हाइट कितनी है अपर ऊपर की? 280। लोअर ऊपर का अपर डायर कितना है? 240। लोअर डायर कितना है? 130। हाइट कितना है लोअर का? 240। और यहां पे भी हाइट ऑफ होल कितना है? 200। और जो मोल्ड है वह कितना है? कितना है डाया है? 150। हाइट है 285। बना लिया अपरेटस? चलो बनाओ इसको। बना लिया? टेस्ट नंबर थर्ड, इसे बोलते हैं वीबी कंसिस्टोमीटर। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। सिर्फ इकलौता यही टेस्ट है, इसके बारे में भी लिख लो। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। यह भी वर्केबिलिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल है? अरे लिखवाएंगे कंपेयर करके, तीनों को कंपेयर करके लिखवाएंगे। अभी तो बताया था मैंने, कहा ना तीनों को मैं कंपेयर करके लिखवाऊंगा, और जैसे लिखवाएंगे उसके बाद तुम्हें टंदनी से याद हो जाएगा तुम्हें। और यह वर्केबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह वर्केबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वीबी टाइम होगा वर्केबिलिटी उतना ही कम होगा, वर्केबिलिटी उतना ही कम होगा, ठीक है। और यह जो टेस्ट है वो यूज करते हैं अपने पास लो वर्केबल कंक्रीट के लिए। तो यह समझ में आया, यही एक लोता टेस्ट है जिसको हम लो वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। तो याद है स्लंप वैल्यू किसके लिए कर सकते हैं? लो टू हाई। और ज्यादा प्रेफरेबल किसके लिए माना जाता है? लो से हाई के लिए। क्यों? ये ज्यादा सुटेबल रहता है लो के लिए, ठीक है। तो चलिए, दिस मेथड या फिर दिस टेस्ट इज मोर सुटेबल
of concrete of suitable for low degree of workability of concrete. इसी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है जनरली किसके लिए, लो डिग्री फॉर लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो अलग अलग टेस्ट के लिए करते हैं, वेरी लो के लिए भी होता है, लो के लिए भी होता है, मीडियम के लिए भी होता है, पर जनरली हम ज्यादा सुटेबल किसके लिए मानते हैं, ओनली लो के लिए, ठीक है, ओनली किसके लिए मानते हैं, लो के लिए ज्यादा सुटेबल हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा the apparatus, in this test consist of cylindrical mold same as slum and cylindrical container which placed over the vibrating table. एक बार नोट करो, फिर इसका मोल्ड बनाते हैं हिंदी में। हाँ बता रहे हैं हिंदी में, रुकिए लिखना। इस टेस्ट का प्रयोग कम वर्केबल कंक्रीट के लिए किया जाता है। इस टेस्ट का प्रयोग लो वर्केबल कंक्रीट के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में स्लंप मोल्ड और सिलेंड्रिकल कंटेनर का प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट में स्लंप मोल्ड और सिलेंड्रिकल कंटेनर का प्रयोग किया जाता है लिख लिया राठौड़ यहां तक? राठौड़ लिख लिया क्या यहां पर? अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये रहा अपने पास। इसमें क्या करते हैं, देखो सिंपल सा बताए तुम्हें, दिख रहा है